ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਬਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ दस दईए कि जो नवी रिसर्च हुई है उस दे विच की खुलासा होया उस दे विच एक गल सामने आई है कि मरीज़ के जाण तो बाद भी हवा के विच दो तो तीन घंटे तक करोना रहिंदा है। अगर किसी मरीज़ नूं करोना है वह किसी जगह पर जाता है उतो उसके जाण तो बाद भी दो तीन घंटे करोना हवा के विच रहिंदा है। इसे लई अजिहे समय दे विच ज़्यादा एहतियात रखने की जरूरत है। देश दियां तीन केंद्रीय लैब्स इसके उत्ते रिसर्च कर रही हैं ते दस दईए कि इस रिसर्च दे विच चंडीगढ़ की भी एक लैब शामिल है। IIM टैक लैब इसका नाम है जो इस दे विच शामिल है। दरअसल इस रिसर्च दे विच यह पाया गया है कि करोना तो ग्रस्त मरीज जिस भी थां ते रुकेगा उत्थे जेकर वह छिक मारदा है खंघदा है गलबात करदा है तो करोना का वायरस उत्थे फैल जाता है। बेशक इंसान उस तो बाद उतों चला भी जाता है तो फिर भी हवा के करोना रहा है तो इस समय यह समझना बहुत जरूरी है कि हर टाइम मास्क पा के रखना चाहिए। किसी भी थान पर जाके अपना मास्क ना उतारो क्योंकि हवा के जिथे करोना है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस संबंधी डॉक्टर्स ने अपने विचार से अपनी राय दी है की क्या उन्होंने वो भी थानू सुनाते हैं। जो स्प्रेड है इसके जो हैं इसकी वजह से दो तीन चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली सबसे बड़ी है, पहले हम कहते थे कि आप घर पे बैठो, अब हम एक और बात कर रहे हैं कि घर में भी आप कैसे बैठो। तो अगर आपके घर में कोई एक भी व्यक्ति है वो इन्फेक्टेड होके बाहर से आया है या बाहर से कोई काम करने वाले जो आते हैं आपके घर में काम करने वाले या कोई वेजिटेबल वेंडर्स हैं या कोई हैं वो आपके घर में आते हैं तो वो अगर अपने कीटाणु हैं जो वहाँ पर छोड़ गए तो अगर हम क्लोज एनवायरनमेंट में खिड़कियों को दरवाज़ों को बंद करके रखेंगे तो वो जो कीटाणु है अंदर ज़्यादा वो रहेगा। आज इस पेंडेमिक स्वरूप को अगर हम देखें तो 1.5 साल हो चुका है, इसमें हमारी जो समझ है वो बढ़नी शुरू हुई और धीरे धीरे ये देखना शुरू हुआ कि जो फाइन पार्टिकल होते हैं उनके थ्रू भी ये एयर में सस्पेंडेड रहता है, यानी कि जो ड्रोपलेट्स हैं और फाइन पार्टिकल्स हैं ये उनके बीच उन पर सस्पेंडेड रहता है। तो जो वेंटिलेशन होता है कि हमारे दरवाजे खुले हैं नहीं हैं, खिड़की खुले हैं नहीं हैं, एसी में भी एक वेंट ऑन ऑफ होता है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये वायरस कितनी देर स्टे करेगा। दूसरी चीज, ये जो वायरस एग्जिस्ट कर सकता है बट उसका लोड, मतलब कितने वायरस हैं, वो वायरल लोड जो है वो डिजीज को बढ़ाएगा या आपको COVID-19 से अफेक्ट करेगा। अगर घर दे विच कोई भी करोना मरीज है तो इस गल का ध्यान रखो कि खिड़कियां दरवाजे खुले रखो ताकि वेंटिलेशन होंदी रहे। अगर खिड़कियां दरवाजे बंद रखांगे तो यह वायरस अंदर ही रहेगा। इस समय इन गल्लां दा ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है ता ही करोना महामारी दे इस नवें रूप दे नाल निपटिया जा सकता है ते अपना बचाव भी किया जा सकता है। दिंदे रहांगे इसे तरह दी होर अपडेट्स, जुड़े रहो वॉइस ऑफ पंजाब टीवी दे नाल।